नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे हैं ये वॉशिंग मशीन का स्पिन मोटर है और हम आज इसका वाइंडिंग करने जा रहे हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों आप लोगों को इसका डाटा मिलेगा। आप लोग वीडियो के लास्ट तक बने रहें, मैं इसका डाटा आप लोगों को मैं बताता हूँ वाइंडिंग करके। तो कंटिन्यू आप लोग बने रहिए। तो दोस्तों देखिए, हमारा बिल्कुल ये देखिए 3 सेट हमने डाल दिया है। लास्ट सेट डालने जा रहा हूँ, उसके बाद मैं इसको स्टार्टिंग का कॉल में डाल के दिखाता हूँ आप लोगों को। तो दोस्तों देखिए, हमारा बैंडिंग पूरा कंप्लीट हो चुका है, देखिए बिल्कुल फाइनल हो चुका है। और मैं अब इसको बांधने जा रहा हूँ। तब तक मैं आप लोगों को इसमें जो मैंने जो आज जो टर्न डाला है वो मैं आप लोगों को बता दूँ। इसमें दोस्तों 30 नंबर से 130 टर्न था, ठीक है। और वो रनिंग का एल्युमिनियम और जो स्टार्टिंग का है वो आपका 31 नंबर से 162 टर्न था। तो इस तरह इसमें था 31 नंबर एल्युमिनियम से। तो देखिए, इसका डाटा मैं भी इसको यूज़ किया हूँ, अब मतलब सॉरी ले जा रहा हूँ इसको यूज़ करने के लिए, फिर देखता हूँ मैं इसका रिस्पांस क्या है। जो है जो चीज़ है इसमें थी मैंने आपको बतला दिया। तो हमारा पूरा देखिए बैंडिंग फाइनल हो चुका है, हमने इसको पूरा भर दिया है अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कंटिन्यूटी वगैरह हमने सब चेक किया है, सब कुछ सही आ रहा है। हमने पहले इसका डाटा बताया है, रनिंग का जो था वो 30 नंबर से 130 टर्न डाले हैं, 1 से 4 1 चक्कर और 1 से 6 2 चक्कर। सेम उसी तरह स्टार्टिंग का भी है, 160 टर्न 31 नंबर एल्युमिनियम वायर से 1 से 4 1 से 4 जो है कि आपका 1 चक्कर और 1 से 6 2 चक्कर है, ठीक है। तो कंटिन्यूटी भी आ रही है और ये केवल इसको भर के देना ही था। तो ठीक है, मैं इसको चला कर नहीं दिखाऊंगा। बाकी आप लोगों को ये डाटा समझ में आया कि नहीं समझ में आया, जो भी हो कमेंट में बताइएगा। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद।